नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब क्लास में। दोस्तों, जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएससी प्री हो, मेंस हो, व्यापम हो, एसएफ एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, सारे एग्जाम में जहाँ कहीं भी छत्तीसगढ़ आपके सिलेबस में है, ठीक है, उस सिलेबस में से आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, ठीक है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था या छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर, जहाँ कहीं भी इस प्रकार का कोई भी टॉपिक होगा, ये जितने भी योजनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम में कम से कम 4 से 5 योजनाओं को पूछा जाता है, उसमें से कम 2 से 3, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं में, जो छत्तीसगढ़ के सरकार की योजनाएं रहती है उनमें से पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको मैं सोर्स बताना चाहूंगा, जो ये मैं नोट्स बनाया हूं आप लोग के लिए, ठीक है। ये पहला इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। दूसरा विभागीय वेबसाइट से लिया गया है, विभागीय वेबसाइट, क्लियर है, और न्यूज़पेपर, इन तीनों से मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ा करें, ठीक है, क्लियर है। और मेरा मानना है कि पीएससी मेंस में ऐसे जो पेपर 2 है, निबंध लेखन में भी कभी कभी इन योजनाओं को ही पूरा पूछ दिया जाता है, ठीक। इसके अतिरिक्त जो आपका अर्थव्यवस्था वाला जो मुख्य परीक्षा में जो पेपर है उसमें आ सकता है। और पेपर 7 में जहां पे दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उनमें भी शामिल है, ठीक है। तो एक ही योजना कहाँ कहाँ आपके सिलेबस में समाहित है मैंने बता दिया, ठीक है, योजनाएं कहाँ कहाँ शामिल है आपके सिलेबस में बता दिया, ठीक है। ये करंट अफेयर में होते हैं, अर्थव्यवस्था में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हाल ही में जो सरकार ने घोषणा की है, ठीक है, कि गोधन न्याय योजना, ठीक है, ये अपने आप में, ठीक है, इस प्रकार की पहली योजना है जहां पे, ठीक है, गोबर की खरीदी की जाएगी, क्लियर है। तो गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ में पशु की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने पशु संगणना 2012 वगैरह देखा होगा, उसमें देखे होंगे आप लोगों ने कि गोवंशियों की संख्या बहुत ज्यादा है ना। तो गोधन न्याय योजना से तात्पर्य है कि जो मवेशी पशु, ठीक है, बिना किसी लालन पालन के अभाव में क्या होते हैं, सड़कों में घूमते रहते हैं शहर, ठीक है, बेवजह इधर उधर चराई करते रहते हैं, ठीक है, तो उन सब की रोकथाम के लिए और इसके साथ ही साथ जो गोपालक है उनकी आय में वृद्धि करने के लिए इस योजना को लाया जा रहा है, ठीक है। तो गोधन न्याय योजना से तात्पर्य है जो पशुधन है उनके साथ न्याय करना, उनका संरक्षण करना, उनसे जो हमें गोबर प्राप्त होता है उनसे हम कंपोस्ट बनाएंगे, जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा इससे, ठीक है। तो और छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी आपने सुने ही होगा, नरवा, गरुआ, घुरुआ और बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी मालूम है, ठीक। तो उसी योजना के तहत ही आप समझ लीजिए कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत होगी हरेली पर्व से। जानते हैं छत्तीसगढ़ का पहला पर्व है ये हरेली पर्व, यानी 20 जुलाई सावन अमावस्या को मनाया जाता है हरेली पर्व, इस दिन से गोबर खरीदी की शुरुआत होगी, ठीक है। और गोबर किस दर पे खरीदा जाएगा, ये मंत्रिमंडल उप समिति माननीय रविंद्र चौबे जी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, उन्होंने रिकमेंड किया है ना, उन्होंने सिफारिश दिया है कि 1.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से गोबर की खरीदी करनी चाहिए, ठीक है, और ये आगे संशोधन हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी योजनाओं को प्री हो, मेंस हो, व्यापम, सभी दृष्टिकोण से आप इस चार्ट को रट लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले योजना का नाम देख लीजिए, प्रारंभ कब हुआ ये देखिए, उद्देश्य देखिए, हितग्राही देखिए, और क्या क्या प्रावधान किए गए इसको देखिए, और उसके कोई विशेष है या अचीवमेंट है, ठीक है, मेंस के हिसाब से उन सबको देखना है, ठीक। तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब से होगी, हरेली पर्व से होगी, है ना, 2020 से चालू होगी, है ना, और उद्देश्य क्या है, गोपालकों की आय में वृद्धि करना और जैविक कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है। प्रावधान और या हितग्राही कौन होंगे,
जो गोपालक होंगे या फिर ऐसे किसान जो क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे, उनके लिए योजना है। ठीक, अब देखते हैं प्रावधान। प्रावधान ये किया गया है कि गोबर की खरीदी होगी सहकारी समितियों के माध्यम से, या फिर जो आपके ग्राम गौठान मतलब जहां पशुओं को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे खाने पीने की व्यवस्था अभी सरकार भी कर रही है, पैरा संग्रहण किया जा रहा है, पानी के लिए टैंक बनाया जा रहा है, उसमें खाद भी उत्पादित किया जाएगा उसके गोबर से। ठीक है, तो गोठान से तात्पर्य जहाँ पे गो लोग क्या करते हैं, थोड़े टाइम विश्राम करते हैं, समझिए। ठीक है, तो हर एक जहां जहां गौठान का निर्माण हो रहा है वहां वहां, ठीक है, ग्राम गौठान प्रबंधन समिति, ग्राम गौठान समिति है ना, का गठन किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार उनको प्रतिमा 10,000 रुपए देंगी, है ना, और इससे वे क्या करेंगे, पशुओं के लिए चारा पानी इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, और साथ में जो पशु धन जो गोबर देगी उसे क्या करेंगे, वहीं पे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे, और उस खाद को क्या करेंगे, फिर से मार्केट में बेचेंगे। स्व सहायता समूह इसमें क्या, इसमें स्व सहायता समूह इसमें भागीदारी होगी। ठीक है, तो ग्राम गौठान समिति भी एक प्रकार से क्या है ये, ठीक है, 10 लोगों की, एक प्रकार से 13 लोगों की, 10 से 13 लोगों की क्या है समिति है, याद रखना। ठीक है, तो यही समिति क्या करेगी, गोबर खरीदी करेगी और वर्मी कंपोस्ट यानी उस गोबर को एक गड्ढे में डाला जाएगा और उसमें केचुए ढील दिए जाएंगे, है ना, छोड़ दिए जाएंगे, उससे अब क्या होगा, जो केचुए गोबर को खा करके अपना, ठीक है, जो जो मल का त्याग करेंगे उससे क्या होगा, खाद का निर्माण होगा, इसी को हम जैविक खाद बोलते हैं। ठीक, तो ये वर्मी कंपोस्ट है, इसका उत्पादन करेंगे, इसको फिर से बेचेंगे, किसानों को बेचेंगे, वन विभाग को देंगे, इस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाएगा। ठीक, इस योजना का लाभ क्या है या विशेष क्या है, इससे गांव में रोजगार और अतिरिक्त आय के साधन में क्या होगी, वृद्धि होगी, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, जो पशु खुले में चरते रहते हैं सड़कों में, अक्सर देखेंगे आपने शहरी इलाकों में, ठीक है, तो पशु के चराए पे कहीं ना कहीं रोक लगेगा। ठीक, क्लियर है, तो कुल मिलाकर के गोधन न्याय योजना, ठीक, नरवा गरवा घुरवा और बारी योजना कहीं हम लोग एक पूरा योजना भी बोल सकते हैं, क्योंकि घुरवा जो होता है यानी खाद के निर्माण, जैविक खाद के निर्माण संबंधित है ये भी। ठीक है, दूसरा योजना जो सबसे ज्यादा हाईलाइट है पूरे भारत में भी, ये दोनों योजना बहुत ज्यादा चर्चित है, दूसरा योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक, अभी हमने क्या है, पशुधन या गोधन पे हमने उनको न्याय दिलाया, न्याय कैसे देंगे, कैसे मिलेगा न्याय, क्योंकि इससे किसान लोग या पशुपालक लोग है ना, पशु को खुले में चरने के लिए नहीं छोड़ेंगे, घर में बांध के रखेंगे, पशु गोबर देगी उससे क्या होगा, उस गोबर को बेच सकेंगे, उससे उनकी इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो गोधन का कुल मिलाकर न्याय हो उसका महत्व बढ़ेगा गोधन का। अब किसानों के साथ न्याय करने के लिए यह समझिए, ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, राजीव गांधी जी के, पूर्व प्रधानमंत्री जी के पुण्यतिथि पर यह योजना की शुरुआत हुई थी, याद रखना। ठीक, इस योजना का उद्देश्य क्या है, किसको क्या में वृद्धि करना, क्लियर है, फसलों का सही मूल्य दिलाना किसानों को, क्योंकि किसानों को सबसे बड़ी समस्या है फसलों का सही मूल्य ना मिल पाना। ठीक, तो इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है, मेंस में भी आएगा तो आपको ऐसे लिखना है बिल्कुल। ठीक है, और इनके हितग्राही कौन होंगे, जितने भी किसान जिन्होंने, याद रखिएगा, धान मक्का और गन्ना बेचा है, ठीक है, सहकारी समितियों के माध्यम से इन्होंने जो विक्रय किया है, तो उस विक्रय के बदले तो समर्थन मूल्य मिलेगा ही मिलेगा, समर्थन मूल्य के अतिरिक्त यानी कुल मिलाकर के धान, जो धान बेचने वाले प्रत्येक कृषकों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त होगा, याद रखना, है ना, एमएसपी के बाद जो 2500 का भुगतान का, जो बीच का जो ये बोनस राशि का भुगतान क्या होगा, सरकार अपने राजकोष से करेगी, याद रखना। ठीक है, ठीक, पूरे 2500 का भुगतान ही करती, एमएसपी पे तो केंद्र सरकार भी खरीदती है। ठीक है, तो बाकी जो अंतर राशि है 2500, तो अंतर राशि का क्या करेगी, भुगतान करेगी, कौन सी योजना के तहत, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, अब देखिए सरकार के राजकोष पर कितने करोड़ का भार पड़ेगा, 5700 करोड़ का भार पड़ेगा, याद रखना, क्लियर है, कितने करोड़ का, 5700 करोड़ रुपए का, और कितने किस्तों में राशि का भुगतान होगा, 4 किस्तों में होगा, क्लियर है, और एक किसानों को अधिकतम 1 एकड़ पर कितने 1000 रुपए का लाभ होगा,
10,000 रुपए का लाभ हुआ, यानी इनकम बढ़ा किसानों का। और मोदी जी ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तो 2022 तक किसानों के आय दुगुना करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसी योजनाएं क्या करेंगी, किसानों के आय में वृद्धि करेगी, क्लियर। अब आते हैं इसके विशेष क्या है कि 2020 जो खरीफ वर्ष 2020 से दलहन और तिलहन पर भी इस योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। अभी तक केवल खाद्यान्न फसलों पे, जैसे कि धान, यहाँ पे लिखा हूं धान, मक्का और गन्ना पे ही लागू, याद रखना, ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे इसकी खरीदी होती है। और ये भी याद रखना कितने कृषक लाभार्थी है इसमें, 18.34 लाख कृषक क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। ये हितग्राही या लाभार्थी में देख लेंगे अपन लोग, ठीक। तो दलहन तिलहन में भी लागू करने की तैयारी चल रही है। अब देखिए जो नेक्स्ट योजना है, आपको बता दूं, आपको एक डेट याद रखना है। कौन सी डेट याद रखना है, प्री में भी मैंने पहले भी कहा था छात्रों को कि जो 2 अक्टूबर 2019 को है ना, गांधी जी की 150वीं जयंती पर के शुभ अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने 5 योजना की शुरुआत की थी। हमेशा प्री में 2 प्रश्न आ चुके हैं, याद रखना। प्री में आया था सीएम वार्ड कार्यालय योजना आ चुका है, क्लियर है, ये प्रश्न आ चुका है, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना की शुरुआत कब हुई थी, आप देखना पेपर निकाल करके, ठीक है। तो मेंस में आने की भरपूर संभावना है, ठीक है। और इन 5 योजनाओं में से ये 2 अक्टूबर जितने भी 2 अक्टूबर के डेट वाली योजना को याद रखना है, क्लियर है। तो इन 5 योजनाओं में से 1 या 2 मेंस में आने की भरपूर मतलब बहुत ज्यादा संभावना है, क्लियर है। तो 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती पर है ना, गांधी जी के 150वीं जयंती पर, ठीक है, 5 योजनाओं की शुरुआत की थी। और 5 योजनाओं में से 3 योजना तो स्वास्थ्य संबंधी था, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी था, जिसकी सुपोषण योजना स्वास्थ्य संबंधी था, मुख्यमंत्री हाट बाजार के लिए भी स्वास्थ्य संबंधी था, शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना ये भी स्वास्थ्य संबंधित है, सौरभाम पीडीएस योजना ये भी स्वास्थ्य संबंधित है, और सीएम वार्ड कार्यालय योजना ये भी क्या है, स्वास्थ्य संबंधित, माफ कीजिएगा, ये तो खाद्यान्न सुरक्षा संबंधित है, और ये वार्ड कार्यालय योजना वार्ड स्तर पर ही लोगों को जितने भी जरूरत की जितने भी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना, कोई शिकायत तो उनका निराकरण करना, ये इनका ये सीएम वार्ड कार्यालय योजना का उद्देश्य है। अब आइए फिर से आते हैं यहाँ पे, तो मुख्यमंत्री सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, आप यहाँ पे मुख्यमंत्री ही लिखना, ठीक है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ठीक है, आप याद रखना 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य हमेशा याद रखना, केवल कुपोषण मुक्ति लिखेंगे तो आपका अगर मेंस में आएगा ना तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा। कुपोषण मुक्ति के साथ साथ एनीमिया मुक्ति का भी लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा, कुपोषण के साथ साथ किसकी मुक्ति, एनीमिया, ठीक है। कुपोषण मतलब जानते हैं सही तरीके से पोषण ना मिलना, और एनीमिया मतलब जानते हैं खून की कमी है ना, जो महिलाओं में जनरली होता है, खून की कमी, क्लियर है। तो दोनों को दूर करने के लिए है ना इस योजना का शुरुआत किया गया है। आप एक चीज याद रखिएगा, अभी जो छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे चक्र में जो रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर है ना 0 से 5 वर्ष के बच्चों में 37.7% है, और महिलाओं में एनीमिया कितने परसेंट, महिलाओं में एनीमिया है 47% महिलाओं में एनीमिया के, ठीक है, एनीमिया से ग्रसित है। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथे चक्र के रिपोर्ट के अनुसार है, याद रखिएगा, बहुत एमपीएम मेंस में अगर कुपोषण मुक्ति पे आया जाए तो आप हमेशा याद रखना, कुपोषण मुक्ति के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने सुपोषण अभियान की शुरुआत की है, याद रखना, ठीक है। अब इसके लाभार्थी कौन होंगे, ठीक है, ये ऐसे के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूं मैं, है ना, ऐसे में आएगा, अर्थव्यवस्था वाला पेपर में आएगा, और 7वां पेपर में आएगा, क्लियर है। तो 3 स्थानों पर इसका महत्व है, ठीक है। अब देखते हैं इसके हितग्राही कौन होंगे, कोई भी योजना हो तो आप हमेशा याद रखना हितग्राही के बारे में जरूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि हितग्राही
सरकार सभी लोगों को तो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकती, जनरली कोई भी योजना चालू होता है तो ठीक है, या फिर किसी क्षेत्र विशेष के लिए ही योजना रहता है। ठीक, तो हितग्राही को याद रखना, कभी बीपीएल परिवार वाले आएंगे, कभी ठीक है कभी लघु सीमांत कृषक आएंगे, इस टाइप से जितने भी चीजें हैं हितग्राही होते हैं वो लोग। ठीक है, तो हितग्राही, तो हितग्राही कौन होंगे, 0 से 5 वर्ष के बच्चे इसके क्या होंगे, हितग्राही होंगे, और 15 से 49 वर्ष के महिला एवं बालिकाओं इनके क्या होंगे, को ये इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और क्या प्रावधान किया गया बताता हूं, कुपोषण, देखो कुपोषण से कौन ग्रसित होंगे, जाहिर सी बात है ज्यादातर बच्चे कुपोषित होंगे, है ना, तो ये कुपोषण से संबंधित होंगे। और एनीमिया से कौन ग्रसित होंगे, जनरली इस वर्ग के महिला, क्लियर है, 15 वर्ष से 54 वर्ष के महिलाओं को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि आपके जानकारी के लिए आपको इतना ही पता होगा, क्योंकि सामान्यतः 14-15 साल के बाद महिलाओं के मासिक धर्म प्रारंभ होने के बाद उनमें कहीं ना कहीं आयरन की कमी होने लगती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, कम होने लगती है, याद रखिएगा, हाँ इस नाम से। ठीक है, 15 से 49 वर्ष के बालिका या महिलाओं के लिए, याद रखना, ये कुपोषण से नहीं, ये किससे है, ये एनीमिया, एनीमिया मुक्ति के लिए। अब देखो क्या प्रावधान किया गया इस योजना में, सबसे पहली बात, जितने भी कुपोषित बच्चे हैं, जितने भी एनीमिया ग्रस्त महिला है, उनको स्थानीय स्तर पर गर्म पौष्टिक आहार दिया जाएगा। ठीक है, स्थानीय स्तर पर गर्म पौष्टिक आहार दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, है ना, क्लियर है। और गर्म पौष्टिक आहार के लिए अभी इस योजना में जिला खनिज निधि, जो जिला को खनिज से रॉयल्टी मिलता है, उस पैसे का इस्तेमाल इसमें जिला कलेक्टर चाहे तो कर सकते हैं इसमें कुपोषण मुक्ति के लिए। ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, पौष्टिक आहार, स्थानीय पोषक आहारों को महत्व दिया जाएगा इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, ताकि उनको कुपोषण से बचाया जा सके। और एनीमिया को दूर करने के लिए याद रखना, महिलाओं को आयरन की गोलियां दी जाएंगी और बच्चों को कृमि मुक्ति, है ना, क्योंकि कृमि होने से भी कुपोषण होता है, कृमिनाशक दवाएं भी प्रदान की जाएगी, है ना। और याद रखना, सरकार ने आने वाले 3 साल में कुपोषण मुक्ति के लक्ष्य रखे हैं, याद रखना, सरकार ने कितने सालों में कुपोषण मुक्ति का लक्ष्य रखा है, सरकार ने आने वाले 3 सालों में, 0 से 5 साल के कितने बच्चे, कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित है छत्तीसगढ़ में, 37.7%, 15 से 49 वर्ष के महिला, कितने महिला एनीमिया से ग्रस्त है, 47% एनीमिया से ग्रस्त है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 4th नंबर पर हुआ था उसके हिसाब से, क्लियर है। तो सुपोषण अभियान याद रखना, छत्तीसगढ़ मेंस में अगर कुपोषण मुक्ति पर भी निबंध आता है तो इस अभियान का जिक्र आपको करना ही पड़ेगा, है ना, क्लियर है। अब अगला ये भी स्वास्थ्य संबंधित है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। ठीक है, हाट बाजार तो आप जानते ही हैं, ग्रामीण अंचलों में हमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ये परंपरा है, हमारे है ना 4-5 गांव के समूह मिलकर क्या करते हैं, 4-5 गांव मिलकर के एक हाट बाजार लगाते हैं, आपने कहीं कहीं देखा होगा। तो सरकार क्या चाहती है, अब हाट बाजार, हाट बाजार में तो ऐसे क्षेत्र जो डेवलप है वहां पर तो स्वास्थ्य सुविधा विकसित है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा है, तो हाट बाजार ऐसे जगहों के हाट बाजार जो दूरस्थ या आदिवासी अंचल में, क्लियर है, क्योंकि मैदानी एरिया में आप लोगों को देखा होगा कि शिक्षा स्वास्थ्य और जो संचार के माध्यम मैदानी इलाकों में थोड़े से है ना विकसित है, याद रखिएगा, है ना, तो यानी उन सुविधाओं का विस्तार ज्यादा है, लेकिन दूरस्थ अंचलों में क्या होता है या आदिवासी अंचलों में क्या होता है, लोग स्वास्थ्य सुविधा से अभी भी है ना वंचित है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए याद रखिएगा, तो ऐसे क्षेत्रों में जहां कहीं भी हाट बाजार लगता है, और आप जानते हैं कि हाट बाजार में जन समुदाय का है ना जमाव रहता है, क्लियर है, तो इस वहां पे आए लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, याद रखिएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का प्रमुख उद्देश्य है, क्लियर है। लोग यानी खरीदी करने के लिए हाट बाजार में, साथ ही साथ अपना स्वास्थ्य चेकअप करा करके भी वापस जाए, ठीक है। तो हाट बाजार क्लिनिक योजना में याद रखना, जहां कहीं भी साप्ताहिक हाट बाजार लगता है उस साप्ताहिक हाट बाजार में नियमित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, जिसमें स्वास्थ्य जांच, उपचार तथा दवाइयां वितरण करना शामिल है, क्लियर है। और याद रखना, इस योजना की शुरुआत बस्तर से हुई थी,
गंभीर मरीजों को बाहर भेजने की व्यवस्था है, यानी कोई ठीक है किसी का कोई क्रिटिकल कंडीशन में है तो उनको बाहर रिफर करने की सुविधा भी उपलब्ध है। ठीक है, तो सीएम हार्ट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक योजना याद रखना। ठीक, उसके बाद हमने आदिवासी अंचलों और दूरस्थ अंचलों के लिए स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार कर लिया। अब इसके अब जो बचा हमारे शहरी क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां हैं यानी स्लम एरियाज है, तो उनके लिए क्या किया गया है, उनके लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। वहां पर भी क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए समय समय पर कैंप लगाए जाएंगे। क्लियर, तो मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना 2 अक्टूबर को चालू हुआ, मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार संबंधित है, स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, वहां के जितने भी मतलब लोग रहेंगे उनका जांच किया जाएगा, उपचार किया जाएगा और दवाइयां वितरित की जाएगी। 13 नगर निगम में ये लागू है और ओपीडी जांच की भी सुविधा है। क्लियर है, कोई अगर गंभीर मरीज मिलता है तो उनको रिफर करने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगा। क्लियर है, तो ये था मलिन बस्तियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा। क्लियर है, अब आते हैं सार्वभौम पीडीएस स्कीम। क्लियर है, सार्वभौम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2 अक्टूबर 2019 को चालू हुआ था। राज्य के सभी परिवार, अब सभी परिवार में किन परिवार, कौन कौन से परिवार आएंगे, जितने भी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन जीने वाले और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले, जिनके पास भी ये कार्ड होंगे, एपीएल कार्ड और बीपीएल कार्ड, सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिलेगा। क्लियर, रियायती दरों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर है, तो इसके इसके पहले की सरकार ने क्या किया था, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बीपीएल परिवार बस को क्या किया गया था, 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल देने की व्यवस्था थी। क्लियर है, लेकिन अभी सरकार ने एपीएल और बीपीएल दोनों परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की ये व्यवस्था है, याद रखिएगा। क्लियर, तो हितग्राही तो जान ही लेंगे, एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड धारी। इसके तहत क्या होता है, प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल दिया जाता है, जहां कहीं भी 3 से 5 सदस्य हो 35 किलो चावल मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर छठवां सदस्य हो गया तो 7 किलो प्रति सदस्य हिसाब से चावल और दिया जाएगा। क्लियर है, 1 रुपये की दर से एपीएल बीपीएल परिवारों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए। ठीक है, अब एपीएल परिवारों को यही व्यवस्था 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, अब शहरी गरीबों को भी मिट्टी तेल देने की व्यवस्था है। ये अपने आप में थोड़ा सा नया है ना, क्योंकि पहली बार शहरी लोगों को मिट्टी तेल देने की इस प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्था दी जा रही है। ठीक है, सार्वभौम पीडीएस समझ में आए, यानी सभी के लिए पीडीएस प्रणाली। क्लियर है, एपीएल परिवार और बीपीएल परिवार दोनों के लिए। ठीक है, अंतर यह है इनको 10 रुपये प्रति किलो मिलेगा, उनको 1 रुपये। ठीक, आखिरी में है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2019 को। अब वार्ड कार्यालय से तात्पर्य है, आप लोगों ने देखा होगा कि वार्ड यानी शहरी क्षेत्रों में लोगों को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए कहीं शिकायत करना हो, कहीं कुछ, कहीं लाइसेंस बनवाना हो, कहीं संपत्ति कर पटाना हो, जेल कर पटाना हो, प्रकाश कर पटाना हो, उनको क्या करना पड़ता है, दूर जाकर के ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना लाया गया है, यानी स्थानीय स्तर में यानी वार्ड लेवल में तत्कालिक सेवाएं उपलब्ध कराना, पानी बिजली सड़क संबंधी सुविधा उपलब्ध कराना हो, साथ ही साथ शिकायतों को प्राप्त करना हो और निराकरण करना हो एक ही छत के नीचे, इस योजना का उद्देश्य है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। ठीक, हितग्राही छोड़ दीजिए, अब इसमें क्या क्या प्रावधान किया, जितने भी अगर व्यापार लाइसेंस बनवाना हो, जल कर, संपत्ति कर, ठीक है, जितने भी चीजें आप एक है ना एक ऑफिस के नीचे वार्ड में ही ये सारी सुविधाएं क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, शिकायत निराकरण भी किया जाएगा। ठीक है, पहले चरण में 13 नगर निगम को शामिल किया गया, याद रखेंगे है ना, नगर निगम को शामिल किया गया है। तो नगरी क्षेत्र संबंधित, नगरी क्षेत्र संबंधित कौन कौन सी योजना है, सीएम वार्ड कार्यालय योजना और शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। एक और योजना की शुरुआत हुई थी, पौनी पसारी योजना, पौनी पसारी है ना। तो हाट बाजार में जितने लोग जो छोटे छोटे बाजार रखते हैं शहरी क्षेत्रों में है ना, वहां पे ढेर सारे अलग अलग कारीगर कामगार है ना, कोई जैसे कि कोई हस्तशिल्पकार है, कोई झाड़ू बनाने वाले हैं, है कि नहीं, कोई बर्तन बनाने वाले हैं, तो जितने भी छोटे छोटे जो व्यापारी हैं या फिर छोटे छोटे कामगारों को क्या करना,
उस पौनी पसारी योजना के माध्यम से लाभ दिलाना, चबूतरे का निर्माण किया जाए ताकि अपना अच्छे तरीके से व्यापार वहां पे कर सके। क्लियर है? तो पौनी पसारी योजना का भी संबंध याद रखें नगरीय क्षेत्रों से, हमको हम उसको और डिटेल में आने वाली क्लास में देखेंगे। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।